हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती चौहान। वेलकम यू ऑल टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी जो क्लास सिक्स सेवन्थ एट की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 49 और जिसकी डेट है 31/8/2020, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपको डिस्क्राइबिंग वेदर के बारे में बता रही है कि हमारा जो वेदर होता है वो कैसे कैसा होता है। चलिए अब हम देखते हैं वर्कशीट को। सबसे पहले तो ये है आपका, ये वेदर दे रखा है, देखो सूरज चमक रहा है तेज़ी से, है ना। तो ये कौन सा वेदर होता है, ये जो वर्ड्स है ना इनको ठीक करके लिखना है। इनके नीचे जो भी लिखे हैं ये इन्होंने रीअरेंज करने को दिए हैं, इन्होंने अरेंजमेंट ठीक से नहीं कर रखा, तो वो हमें ठीक से करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, इसमें ये है कौन सा वेदर है, ये सनी वेदर, सूरज चमक रहा है ना जोर से, तो इसमें क्या लिखेंगे, SUNNY। मैंने नीचे लिख रखे हैं आंसर, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। और ये कौन सा वेदर है, देखो हवा इतनी तेज चल रही है, पेड़ भी झुके जा रहे हैं, तो ये कौन सा वेदर है, इट्स विंडी वेदर। तो इसमें हम कैसे लिख देंगे, WINDY। देखो यहाँ पे देखो आप, सनी पहले में सनी आएगा और दूसरे में क्या आएगा, विंडी आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जो तीसरा है, तीसरा क्या है, LODYCU। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, इसमें ऊपर बादल ही बादल हैं, बादल ही बादल हैं, तो बादलों को क्या बोलते हैं, क्लाउड। तो ये कौन सा वेदर है, क्लाउडी वेदर। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये आ गया क्लाउडी वेदर। और जो फोर्थ है वो क्या है, बारिश हो रही है बहुत तेज से, रेन आ रही है, तो ये कौन सा वेदर है, ये है आपका रेनी वेदर। ठीक है बच्चों, ये आप इसमें इसके आंसर ये लिख दोगे, पहले में सनी, दूसरे में विंडी, तीसरे में क्लाउडी और चौथे में क्या लिखोगे, रेनी। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं दूसरा क्या है, जो हमारी टास्क भी है, हाउ इज द वेदर टुडे, आज मौसम कैसा है। तो टुडे द वेदर इज, जैसा भी मौसम है आपका आज, उसको लिख देना है। तो हमारे यहाँ तो आज क्लाउडी वेदर है, तो मैं तो इसमें क्लाउडी लिखूंगी। आप देखो आपके यहाँ सनी है, धूप निकल रही है या बारिश हो रही है, तो रेनी लिखो, पार्टली क्लाउडी, थोड़े बादल थोड़ी बारिश, तो वो आप थोड़े बादल हैं थोड़ी धूप है, तो पार्टली क्लाउडी आ जाएगा। हवा चल रही है तो विंडी लिख देंगे, और या फिर और कुछ है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं इसका थर्ड वाला टास्क सी क्या है। टास्क सी में बोला है, ये रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो, ये जो नीचे लिखे हैं ना इनको हमें पढ़ना है, और राइट देम इन एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। और नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें एप्रोप्रिएट जो एकदम सही टेबल है उसमें लिखा है लिखना है। देखो सबसे पहले है ऑन अ हॉट सनी डे, हॉट सनी डे पे पहला कॉलम में तो हमें सबके बारे में लिखना है व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, और दूसरे में आपको लिखना है व्हाट यू कांट डू, आप क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसमें ऑन अ हॉट सनी डे, क्लाउडी डे सारे में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो टास्क सी है आपका, आप ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखो ऑन अ हॉट डे हम क्या कर सकते हैं, हॉट डे पे एंजॉय कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, वियर और क्या नहीं कर सकते, स्वेटर नहीं पहन सकते, हम कैसे पहन लेंगे इतनी गर्मी में स्वेटर। तो इसमें ये आंसर आपको लिख देने हैं छाट के, उसमें जो लिखे हैं ना वो सारी फ्रेजेस उसमें से। ऑन अ क्लाउडी डे, क्लाउडी डे पे हम अम्ब्रेला यूज़ नहीं करते, है ना, और क्या नहीं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं क्लाउडी डे पे, हम अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते, हम सन को नहीं देख सकते, है ना, सूरज देख सकते हैं जब बादल छाए रहेंगे। ऑन अ विंडी डे, और विंडी डे पे हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, है ना, जब हवा अभी देखी होगी आपने 15 अगस्त को और उसके आसपास हमने पतंग उड़ाई है खूब सारी, तो हवा चलती है तो हमारी पतंग ऊपर चली जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ा सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते, यूज़ एन अम्ब्रेला। भाई विंडी डे में हम अम्ब्रेला क्यों यूज़ करेंगे, तो क्योंकि हवा से तो उड़ा के ले जाएगा, फाड़ देगा हमारे अम्ब्रेला को, तो हम ये नहीं कर सकते इसमें। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं जो आपका लास्ट वाला है रेनी डे, रेनी डे पे आप क्या कर सकते हैं, हम सी अ रेनबो, हम इंद्रधनुष देख सकते हैं, रेनबो को देख सकते हैं, वॉक ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, और हम क्या नहीं कर सकते, हम अच्छे से घूम नहीं सकते रोड के ऊपर, तो हम इसमें ये लिखेंगे। चलिए आप देखते हैं फोगी डे, फोगी डे में हम क्या कर सकते हैं, हम स्वेटर पहन सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ही तो फोग पड़ता है बहुत सारा,
और हम क्या नहीं देख सकते जब बहुत सारा धुंध छाया रहेगा, तो हमें क्लाउड्स या स्टार्स या कुछ भी और दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो हम लिख देंगे इसमें सी द क्लाउड्स, हम क्लाउड्स नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा टास्क डी सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं हमारा जो टास्क डी आया है, टास्क डी में आपको मैचिंग करनी है, जो पिक्चर बनी है उसके अकॉर्डिंग आपको मैचिंग करनी है। देखो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा सन निकला हुआ है, थोड़े से क्लाउड हैं, तो क्या है ये पार्टली क्लाउडी, थोड़ा थोड़ा कैसा मौसम है, पार्टली क्लाउडी। ठीक है बच्चों, आप देखो ये कैसा मौसम है, ये है आपका क्या है, क्लाउड हैं बहुत सारे, है ना, और बिजली भी चमक रही है ना, लाइटनिंग चमक रही है, तो ये क्या है, थंडर एंड लाइटनिंग, ये आप इसके सामने लिख दोगे या मैच कर दोगे। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या है, देखो जो जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है, वो कैसा है, बिल्कुल धुंधला है, कुछ नहीं दिख रहा, पेड़ भी बिल्कुल धुंधले धुंधले दिख रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल फोगी है, तो हम किसके मैच करेंगे, फोगी से। आप देखते हैं फोर्थ क्या है, फोर्थ देखो इसमें क्या पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, और बारिश से बारिश नहीं पड़ रही, ड्रॉप नहीं पड़ रही, मोटे मोटे ओले, हेल स्ट्रोम बोलते हैं इनको, हेल स्ट्रोम पड़ रहे हैं, तो इसको हम हेल स्ट्रोम से मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आई है, अच्छा लगा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने सारे दोस्तों को भेजना जो भी 6th 7th 8th में पढ़ते हैं, जिससे उन सबको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।